दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम रटत कन्या भली साकेट भलो न पूत, छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख ना ही नाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। पुण्यात्मा परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के हमें चेताते हैं, ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि प्रथम तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन पाकर के जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जिस कूप में जल नहीं है और वो खोद भी रखा है, उसके पक्का स्ट्रक्चर भी बना रखा है और बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसमें जल है नहीं तो वो नाम कूप भले ही है लेकिन गुण कुएं के नहीं है उसमें। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी परमेश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, उनका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। फिर बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला वो निर्धन व्यक्ति भला है, अच्छा है, जिसके मकान की छत भी टूटी बेशक हो, जिसकी झोंपड़ी की छत टूटी हो और वो भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। अच्छे महल हैं, खूब बढ़िया कोठी बना रखी हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, उनसे तो वो गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, जिसकी छान बनी है, एक झोंपड़ी है, हट है और उसकी भी छान टूटी हो, छत टूटी हो, यानी इतना निर्धन हो तो भी वो उस मायाधारी पैसे वाले से अच्छा है, भगवान को वही पसंद है। क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई,
धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। पुण्यात्मा परमेश्वर खुद सारी सृष्टि के रचनहार हैं, सबके पालनहार हैं कबीर साहेब जी, परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहेब जी। और वो काशी में बनारस में आए, एक जुलाहे के यहाँ रहने लगे। परवर्ष की लीला जुलाहे के घर पर हुई, और ऐसे निर्धन के अपना कपड़े की बुनाई करते, मेहनत मजदूरी करते थे, और उस कपड़े के बुनने से जो मेहनताना मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। एक झोंपड़ी में रहते थे, कुटिया में, और अपना भक्ति भी करते थे, प्रचार भी करते थे, उसी में से दान भी धर्म भंडारे भी करते थे। वो क्यों ऐसा करते थे, वो हमें ये उदाहरण देने के लिए लीला करते हैं प्रत्येक युग में कि परमात्मा की भक्ति के लिए ना तो कोई जाति या मजहब बाधक नहीं है। परमात्मा की भक्ति में सेठ होना आवश्यक नहीं है, भक्ति के लिए एक मनुष्य जीवन होना पर्याप्त है। मनुष्य जीवन पर्याप्त के बाद फिर परम संत मिलना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। परम संत मिलने के बाद फिर भक्ति आप किसी तरह भी, चाहे आपके पास पैसा है, सेठ है, कोई राजा है, अच्छी बात है, वो भक्ति करता तो बहुत ही अच्छा, वो भी अच्छा है। और ऐसा निर्धन भी भगवान की भक्ति करता है तो वो भी भगवान को उतना ही प्रिय है। अब कहने का भाव ये है कि सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी धनी नहीं हो सकते। और जैसे कि हम भक्ति के बिगड़े हुए प्रारूप को ज़्यादा देखते हैं, जैसे हम देखते हैं उस सेठ ने वहाँ 11,000 रुपये दे दिए, ऐसे देखते थे, उसका नाम लिखा गया उस आश्रम पे, तो आम व्यक्ति यूँ सोचा करता भाई यूँ ये पार होंगे जो इतना दान करते हैं। किसी ने धर्मशाला बनवा दी, उसका नाम लिखा हुआ है, किसी ने कितना कुछ दान कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हम ये सोचा करते थे इन्हीं का नंबर है, ये पार होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं दान विद समान है, आपकी क्षमता के अनुसार दान कीजिए, वही पर्याप्त है। जैसे एक व्यक्ति के पास जो है अरबों की संपत्ति है और उसने 2,00,000 रुपये दान कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये की इनकम है और उसने जो है उसमें से 1,000 दान कर दिया, तो वो उससे अत्यधिक है जिसने 2,00,000 दान किए। इन दोनों के अंदर फिर भावना देखी जाती है, यदि भाव सही है, सच्चा भाव है, तो फिर परमात्मा को स्वीकार्य होता है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा में आस्था श्रद्धा एक लगन विशेष हो तो दोनों ही भक्त परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी के पास ये व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व जन्मों के हम पुण्यों को स्वर्ग में बर्बाद कर चुके हैं। अब फिर नए सिरे से हमारा जैसा प्रारब्ध बना है बचे खुचे कर्मों का, उसी को हम भोग रहे होते हैं। परमात्मा आते हैं, सत भक्ति करवाते हैं, हमें फिर से धनी बनाते हैं भक्ति का, तो फिर हम परमात्मा पाने वाली लाइन में लग जाते हैं। अब जैसे दूसरा प्रारूप बिगाड़ रखा है भक्ति का, कि जैसे कि परमात्मा वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने सब त्याग दिया, घर छोड़ गए, जंगल में रहने लगे, घास फूस फल आहार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कोई तप करता है खड़ा हो करके, कोई धुने लगा करके चारों ओर बैठ अग्नि जला करके बीच में बैठा रहता, गर्मियों में, सर्दियों में ऊपर से जल धारा करता है। परमात्मा कहते हैं ये कोरे पाखंड हैं, ढोंग हैं, ये आडंबरी व्यक्ति हैं,
इनसे कोई लाभ नहीं, ना ये शास्त्र अनुकूल साधना है। और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि होती है और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है उसी अनुसार आप जिन्हें करना चाहिए, शास्त्र विधि त्याग कर कोई भी साधना पूजा मंत्र जाप आप करते हो वो यूजलेस है। अब गीता जी में पुण्यात्मा केवल ब्रह्म साधना का तो ओम नाम बता रखा है, यही वेदों में बताया है। वेद ज्ञान दाता भी वही है, गीता ज्ञान दाता भी ब्रह्म है। और उसमें वो साथ में संकेत करता है कि वास्तव में पूज्य तो कोई और परमात्मा है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, उसकी भक्ति करने से जीव को मोक्ष प्राप्त होगा या संसारिक सुख भी उसी से प्राप्त होंगे, क्योंकि वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को नष्ट कर देता है जो पाप कर्म है, और पुण्य कर्म फलते रहते हैं। जैसे पहले समय में ये फसल बीजा करते थे तो उसमें घास भी साथ पलता था और फसल आधी मिलती थी। अब एक ऐसी औषधि की खोज हो गई है कि फसल बीज रखी है और उसमें खरपतवार पैदा हो गया है अड़ंगा, तो उसमें एक सिंचाई के समय औषधि छिड़क दी जाती है, वो घास का नाश कर देती है, खरपतवार को ख़त्म कर देती है और फसल को हानि नहीं करती। ठीक इसी प्रकार अब उस मंत्र की खोज होगी है, उसकी अन्वेषण होगी है जो हमारे पापों को नाश कर देता है, पुण्य ज्योंके तो बने रहते हैं, वो मंत्र इस दास के अतिरिक्त इस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं है वो मंत्र। तो वो मंत्र आपको दिया जाएगा जिससे आपके पापों का नाश हो जाएगा, और वो केवल कबीर परमेश्वर की रजा से, उसी की कृपा से ही होगा, क्योंकि वो मेन पावर हमारी जो थर्मल प्लांट है, हमारा जो मेन पावर हाउस है वो कबीर जी है, और पावर हाउस से लाइट आती है, और संत समझो वो छोटे सतर के पावर हाउस होते हैं, कोई 33 केवी का, कोई 66 केवी का। तो उन संतों से जो उस मेन पावर से कनेक्टेड जो संत है वो भी एक समझो पावर हाउस है, और उस पावर हाउस से फिर आपको कनेक्शन है तो आपके काम बढ़ेंगे, सही सारे काम होंगे। तो जो भी ये मंत्र आपको दिया जाता है ये कबीर परमेश्वर वाली पावर से ही काम करता है, वैसे नहीं करता ये काम। तो पुण्यात्मा अब गीता जी के अंदर केवल एक ओम मंत्र बताया है ब्रह्म साधना का, क्योंकि गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन्देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इति बस। और जो ये उच्चारण करके स्मरण करता हुआ ये प्रयाति तजन्देहम, जो शरीर त्याग कर जाते समय तक किसी का स्मरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो गति लाभ है वो परम गति इस ओम ते लगी, ओम मंत्र से। और वो क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, ओम नाम के जाप से, क्योंकि ये ब्रह्म का जाप है, मंत्र है, तो इससे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः मृत, इसमें मृत लोक में आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में
तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को ओम से मिलने वाला जो लाभ है उसको अनुतम कहता है, क्योंकि जन्म मृत्यु गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है मेरी भी जन्म उत्पत्ति होती है, जन्म होता है और मेरी मृत्यु भी होती है, और जो मेरे आश्रित प्राणी हैं उनका भी ऐसा ही होगा। अंडरस्टूड है? इसलिए वो कहता है कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए और परम शांति चाहिए, क्योंकि जब तक जन्म मृत्यु है तो यहाँ तो यही समस्याएं सामने आवेंगी, जितनी बार भी जन्म होगा यही प्रैक्टिकल होगा जो आज आपका हो रहा है, यही तरीका होगा। संतान ना हुई तो दुखी हो गए, तो फिर दुखी, कोई मर गया कोई बच गया फिर हाहाकार मची, तो यहाँ कोई जीवन थोड़ा ही है, ना जाने कब दुर्घटना मर जाए, ना जाने कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाए, ना जाने कोई फ्लड आ जाए, ना जाने कि तब भूकंप आ जावे और शाम न सोवे सुबह रह कोई नहीं पावे, तो यहाँ शांति नहीं हो सकती। जन्म मृत्यु जब तक रहेगी जीव सुखी नहीं हो सकता। एक स्थान ऐसा बताया परमेश्वर ने आकर के स्वयं, अभी तक तो हम स्वर्ग तक की जानकारी रखते थे, जितने भी ऋषि महर्षि थे स्वर्ग से ऊपर नहीं जानते थे। उस परमेश्वर ने आके बताया कि एक परम स्थान है सतलोक सचखंड, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते, वहाँ जरा मरण नहीं है, जरा माने बुढ़ापा, और मरण मीन मृत्यु, वहाँ जन्म और मृत्यु नहीं है, तुम वहीं रहा करते थे पहले, अपनी गलती से आप यहाँ आ चुके हो, अब यहाँ से ये काल तुम्हें जाने नहीं देता, मिसगाइड किए हुए है आपको, यहाँ धोखा देकर रोका हुआ है, बाई फोर्स रोका हुआ है, आपसे संतानों उत्पत्ति करवाता है, और जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो हम ये कहते हैं ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, और जब मृत्यु हो जाती है काल कहता चल अब ये मेरा है, अब तू जा धक्के खा कहीं पर, अब जो मनुष्य जीवन से कार्य हमने करना होता है उसको ये नहीं करने देता है, और करने देता है तो नकली कित करो, जैसे पहाड़ों पर चढ़ जाओ वहाँ दर्शन करके आओ धक्के खाओ खूब कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब ये सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ चलने लगते हैं 100 बाधाएं पैदा कर देता है, 100 शंकाएं पैदा कर देता है, वहाँ ऐसा कैसा है ऐसे कैसे है, और वहाँ हम भटका करते थे कभी मन में शंका नहीं आई कि यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्या रखा इन पत्थरों में, क्योंकि वो काल प्रेरित थे हम, अब दयाल प्रेरित हो गए परमात्मा की रजा से हम यहाँ पाएंगे, हमने परमात्मा की रजा को बनाए रखना पड़ेगा, उसकी रजा जब तक रहेगी तब तक रहेगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे, परमात्मा के नियम को भंग नहीं करोगे तो उनका आपके साथ एक टच बना रहेगा, और आपने मर्यादा भंग कर दी तो भगवान का हाथ उठ जाता है, फिर आप यहाँ नहीं आ पाओगे, फिर तो वहीं धक्के खाओगे जहाँ पहले खाते थे, तो यहाँ आपने परमात्मा का पंजा बनाए रखने के लिए मर्यादा सबसे पहले रखनी पड़ेगी, जो नियम बताए गए हैं उनको खंड ना करना, भगवान आपके साथ रहेगा। तो यहाँ आप तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है और इसके सिमरण से मेरे वाली जो गति मिलेगी वही फाइनल है मेरी तरफ से, तो फिर ये कहता है कि जन्म मृत्यु मेरी भी बनी रहेगी और अर्जुन तेरी भी बनी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। अब फिर बताया 15 में जाए कि 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला अविनाशी सत्य, और स्थान माने धाम कहो लोक कहो तो स्थान कहो, तो हम सतलोक कहते हैं, हमारे भगवान ने उसको सतलोक कहा है, दूसरी भाषा में सचखंड कहते हैं, खंड कहो द्वीप कहो लोक कहो, और सत्य माने सच, तो सचखंड कहो सतलोक कहो सतपुरुष कहो सतपुरुष कहो,
भाषा भिन्न है, तो वो सतलोक में से परमात्मा स्वयं आए, वहाँ रहते हैं भगवान, और हमारे जो यहाँ नहीं आए हम वहाँ रह गए, हम यहाँ गलती से आ गए, तो वो वहीं रह रहे हैं सभी आत्माएं पुण्यात्माएं। और जो परमात्मा के इस आदेश का पालन करके सतभक्ति करके वापस चले गए, वो भी वहाँ पर विद्यमान हैं। तो हम वहाँ रहा करते थे और वहाँ चलना पड़ेगा अपने। अब क्या बताते हैं 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, सर्वपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और सर्वपुरुष है ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक धर्म आवि से विभर्ती अवै ईश्वर है। अब सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी और ये भी, जीवात्मा अलग वो तो सेपरेट इशू है, वो तो गधे कुत्ते सब के अमर है, वो नहीं मरती। अब फिर कहा कि 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है मूल परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और मूल से ही पूरे पेड़ को आहार मिलता है। तो यहाँ बताया है कि वो जो मूल रूपी भगवान है वो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 1वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि वो आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है भगवान कि जो तत्ब्रह्म को और सारे दात्म को और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, जान लेता है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है या संसार की कोई वस्तु डिमांड नहीं करता, तो किम तत्परम, वो ऐसा क्या भगवान है, ऐसा कौन है वो परमात्मा जिसके जानने के बाद फिर यहाँ की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो वो परमात्मा तो कोई और है। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है अपने बारे में कि मैं तो केवल लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो जड़ हैं, चाहे वो जीवात्मा हैं, और चाहे वो सथूल शरीरधारी हैं प्राणी हैं, जितने भी प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांड में हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया वो तो कोई और है। और कहे मैं तो लोक वेद यानी सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, और यहाँ के जितने प्राणी हैं वो मुझे पुरुषोत्तम मान रहे हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, मेरा तो जन्म मृत्यु होता है, फिर पुरुषोत्तम की तरह गया जिसकी जन्म मृत्यु होती है। तो उस पुरुषोत्तम के पाने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का मंत्र बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र है उसको पाने की जो साधना है वो 3 मंत्र की है, और उसकी 3 प्रकार की विधि है उसके सिमरण करने की, ये है उस परमात्मा के पाने का। इससे क्या होगा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बताता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है
कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और केवल गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो। अपने आत्माओं कहने का भाव यह है कि हम जो साधना कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है या उसके विरुद्ध है, इसको कहाँ से प्रमाणित करें, कहाँ से इसकी तुलना करें। ये सदग्रंथ हैं अपने, जैसे श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 18 पुराण और पवित्र पांचवा वेद सूक्ष्म वेद परम अक्षर ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, और फिर उन संतों की वाणी जिनको भगवान स्वयं आकर मिले हैं, जो उनका विधान है प्रभु का, उनकी वाणी में जो कुछ लिखा है वो हमारे सदग्रंथ हैं, वो हमारे शास्त्र हैं। अपने आत्माओं, इन शास्त्रों को भी हमने ध्यान से देखना है कि कौन से शास्त्र किस सत्र के हैं। जैसे गीता जी और वेदों में न अरे राम अरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, ये इस तरह कोई मंत्र नहीं है। ना तू ही एक निरंकार, तू मैनू बकस दे, मैं तेरी शरण, ये निरंकारी नाम देते हैं। और ना ये जो स हम ये नाम देते हैं, स हम हंस नाम देते हैं कुछ, यानी ये मनमुखी बकवादे हैं, इनसे कोई लाभ जीव को नहीं होगा। और न ही ये अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, और न ही ये मंत्र हैं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। ये जो नाम हैं, इन दो मंत्र जो, जैसे केवल ब्रह्म की साधना करनी है ओनली ओम मंत्र है, और परम अक्षर ब्रह्म की करनी है तो तीन मंत्र हैं ओम तत् सत। ओम तो सीधा है, सार्वजनिक रखा है ये तो ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त मंत्र हैं, ये दास बताओगा कोड वर्ड है ये। तो तत् मंत्र ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, पुरुष कहो चाहे भगवान कहो प्रभु स्वामी कहो, एक सर्वपुरुष ये तो ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है ओम तत् सत में, और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है, उसका मंत्र ये तत् है। और जो सत मंत्र है ओम तत् सत में, वैसे ये तत् सांकेतिक है सीधा नहीं, ओम तत् सत ये जाप नहीं करने का ऐसे। अब सत जो मंत्र है वो भी सांकेतिक है, इसका अन्य एक मंत्र है, ये है परम अक्षर ब्रह्म का, ये उस परम पिता का मंत्र है। तो इन तीनों की ही मजदूरी करनी है हमने, साधना करनी, साधना मीन मजदूरी, तो इन तीनों की साधना करनी है। अब पुण्यात्मा, पूजा और साधना में अंतर होता है। पूजा क्या है, जैसे हमने किसी से ऋण ले रखा ऋण, तो हम उस ऋण को उतारने के लिए जो साधना कर रहे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, तो हम जिसका ऋण देना है उसकी पूजा नहीं करें, हम तो उसके को अपना पैसा उतारने के लिए उसको अपनी मजदूरी करें। अब जैसे हमने पुणात्मा, जैसे आप जी ने सेब खरीदनी है सेब, अब उस सेब को कैसे प्राप्त किया जाए, सबने पता सेब है मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो मार्केट में कैसे मिल जाएगी। अब ये भी ज्ञान हो गया कि सतलोक में सतपुरुष है और वहाँ पर सारा सुख है, तो वो वहाँ पहुँचेंगे कैसे, वो भक्ति धन चाहिए। जैसे हमने सेब खानी है, सेब के गुणों का ज्ञान हो गया, और वो कहाँ मिलती है मार्केट में या मंडी में या कहीं बाज़ार में मिलेगी, तो कैसे मिलेगी, पैसे से मिलेगी, तो पैसे के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कोई मजदूरी कर चाहे या कोई और धंधा करे,
फिर पैसे इकट्ठे कर और फिर सेब प्राप्त कर, वहाँ जा कर मार्केट में जाते मिल जाएगी फिर तो, और जेब में पैसा नहीं है तो घूमे जा, वहाँ पर सेब भी रखा है कोई ना दे तो रे उठा करके। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाना है तो हमारा उद्देश्य जो था, पूजा सेब की थी, सेब की पूजा थी लेकिन मजदूरी कहीं और कर रहे थे, तो हमने पाना है परमेश्वर कबीर देव, सतलोक पाना है वो हमारी सेब है और मजदूरी ये है। अब ये मजदूरी बताई है ओम तत् सत मंत्र की, और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है ये इनकी पूजाएं नहीं है, ये भी मजदूरी है उस सेब को खाने की, सेब को पाने की, परमेश्वर तक जाने की। यानी हमारे शरीर के अंदर इन भगवानों का जो है ना अपना अपना महकमे के अनुसार इनका हमारे ऊपर ऋण है, और इस इन मंत्रों की मजदूरी करके हम इनका ऋण चुका देंगे, फिर ये हमने नोडू सर्टिफिकेट दे देंगे NOC, और जब इनसे NOC मिल जाएगी तब हम त्रिकुटी की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा शरीर है। एक ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्था हो रही है उसी का ये एक इस शरीर में व्यवस्था है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं, टेलीविज़न में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हैं। ये बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी बैकबोन, इसके अंदर की साइड में एक बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई आंतड़ियाँ सी बनी हुई हैं। नीचे जाओ यहाँ बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है नीचे गुदा के पास, तो इसे दो उंगल ऊपर, इस रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होता है इसे दो उंगल ऊपर एक मूल कमल है, और मूल कमल में गणेश जी का अधिपत्य, उसका ऑफिस है ये समझो, और उसकी ऑफिस का जो ऋण हमने उतारना है उसकी मजदूरी अलग बता रखी है, मंत्र आपको दे रखे हैं। उसके बाद उससे दो उंगल ऊपर बैकबोन में वहाँ पर सावित्री और ब्रह्मा जी का ऑफिस है, इसको स्वाद चक्र बोलते हैं। उससे ऊपर जो नाभि आपकी सुंडी है नाभि, इसके बैक साइड में बैकबोन के साथ में ऐसी आंतड़ियाँ सी चिपकी हुई हैं, उसमें आठ पत्ती का कमल है, और जो ब्रह्मा जी का है वो छः पत्तियों का कमल है, और गणेश जी का है वो चार पत्तियों का कमल है, और फिर हम यहाँ हृदय कमल, हृदय ये हार्ट नहीं, हृदय का अर्थ मध्य भी होता है, तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है और यहाँ दोनों सतनों के बीच में ये स्थान है, ये मध्य है, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में वहाँ पर इस शिव और पार्वती का ऑफिस है, यानी वहाँ इनका कमल है और 12 पंखड़ी है इसकी, 12 पत्तियाँ हैं, और ये कंठ कमल, ये कंठ है यहाँ नहीं, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ वहाँ इस दुर्गा जी का कमल है जिसमें 16 पंखड़ियाँ हैं। तो हम इनकी मजदूरी करेंगे, इनकी मजदूरी करके हम इनसे नोडू सर्टिफिकेट लेंगे, जैसे कोई विदेश में गया है और वहाँ उसने कोई कारोबार कर रखा था, उसमें घाटा हो गया उसको, उसके ऊपर कर्जे हो गए, उसके उसका जो है कर्जा हो गया, और उसने जैसे कनेक्शन ले रखा बिजली का, कनेक्शन ले रखा था टेलीफोन का, कनेक्शन ले रखा था वाटर सप्लाई का, और भी बहुत से, तो वो सभी सुविधाएं उसकी बंद होगी, क्योंकि वो निर्धन हो गया, उसके पास पैसा रहा नहीं, क्योंकि उसकी साधना ठीक नहीं थी, उसकी भक्ति, वो उसकी जो फैक्ट्री चली नहीं जिस किसी भी कारण से, तो अब वो सुविधाएं प्राप्त हो नहीं, ऋण उतरे नहीं, तो कोई बीच में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आ जावे और वो कहे उन महकमे वालों को जाकर के, भाई मैं इसका गारंटर हूँ, इसको सभी सुविधाएं दे दो, ये तुम्हारा ऋण देगा किस्तों में, तो दोबारा सुविधाएं दिलवा दी जाएं, तो फिर आपने मजदूरी तक करनी पड़ेगी और उसका ऋण भी उतारना होगा। ठीक इसीलिए इसी प्रकार इन भगवानों का ऋण हमारे ऊपर है, जो यहाँ से नीचे के प्रधान हैं, मुखिया हैं,
इनका ऋण हमने देना पड़ेगा, और उस ऋण के उतारने के ये पांच मंत्र हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो जिक्र है पांच मंत्रों का, वेदों में भी है, नाम स्पष्ट नहीं है उनमें, पांच मंत्र, सात मंत्र, तीन मंत्र, उसमें भी ऐसा प्रमाण है। उसके लिए बता रखे हैं, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और किसी को पता नहीं। तो ये पांच मंत्र हैं जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। बीच बीच के जो पांच मंत्र, ये है वो पंच मंत्र, और इनके जाप से आपको जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहां से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में, मूल कमल में जाएगा तो वहां से चल, फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहां इसका नोट ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखा है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में, पुणात्माओं ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और आप पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने दो वर्ष हो गए, किसी ने तीन वर्ष, कोई चार वर्ष, कोई पांच वर्ष, कोई छह वर्ष, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं, और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल ने हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हो, तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है, तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं अपना शक्ति को, बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहाँ जाएंगे, तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप, जो हमारा लोन हो गया था, हमारी वेस्टेज होगी थी, उसको वहाँ वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होगी, रीस्टोर होगी, तो वहाँ वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहाँ भी फिर हमारा यहाँ नोट ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होंगे। फिर आओगे हृदय कमल में, और वहाँ फिर आपको वो मंत्र दे रखा है, उसके जाप से आप फिर वहाँ से बरी हो जाओगे, वहाँ से नोट ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा, और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो, तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अब स्पष्ट साफ हो गए। इस प्रथम मंत्र से आपको यहाँ तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहाँ तक। अब यहाँ से फिर त्रिकुटी पर पहुँचना है, इन मंत्रों के जाप बिना और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बतावे हैं कि साढ़े गुरु जी तो बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने, तो हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद, ये है लोकवेद दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाले का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जाओ, ये बालकों का खेल नहीं है। मनुष्य जीवन को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है, ऐसे नकली संतों के पास बैठकर। चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, और अब तो ये क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट है आपके समक्ष, इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजें और करें झूठ तय ने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे।
चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ संतों के निकाम के, उनको दोगल जोट। अब फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। अब त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जानो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे पालम का है हिंदुस्तान में, दिल्ली में पालम, तो वहाँ से सभी देशों को फ्लाइट जाती हैं और वहाँ एयरपोर्ट पर यानी त्रिकुटी पर पहुँचने से पहले हमारा टारगेट होता है कहाँ जाना है। वहाँ तो जाकर टिकट लेनी होती है या पहले बुक करा रखी होती है, पासपोर्ट पहले बनवाना होता है और उस देश का नो डू सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, उनकी परमिशन होकर ही आप वहाँ जाते हो। फिर त्रिकुटी पर आने के बाद आपको, अब जैसे कई भक्त असमंजस में गिर जाते हैं क्योंकि पुण्यात्मा इतना समय आपके पास नहीं होता कि आप सभी सत्संग अटेंड कर सको, और प्रत्येक सत्संग में ये बताया भी नहीं जा सकता, रह रहकर एक ही बात को रिपीट भी नहीं किया जा सकता, और लेकिन दास की भरसक कोशिश रहती है कि समय समय पर प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालूं और बहुत बार डालूं, लेकिन बहुत बार डालूं तो भी आप नहीं पहुंच पाते किसी कारण से, कोई सुबह आता है कोई शाम को आता है, और हो सकता है उस समय वो प्रकरण उसको ना उपलब्ध हो, और हो सकता है कई सत्संग भी निकल जाएं ऐसे ही, तो फिर भी उसके लिए आप जिस सीडी ले सकते हो उनसे देखिए सुनिए, और आजकल तो परमात्मा ने बहुत अच्छी टेक्निक दी है, एक छोटी सी चिप होती है उसमें 40-40 घंटे का सत्संग आ जाता है, लेकिन समय तो निकालना ही पड़ेगा, यहाँ निकालो चाहे घर पे बैठ कर सुनो, वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो अज्ञान सुना वो भी बहुत सुन रखा, थोड़ा नहीं, बहुत जन्मों से सुनते आ रहे। तो अब हम जैसे कई भक्त कहते हैं कि पहले मंत्र में सभी आपने इन देवताओं के ही मंत्र दे रखे हैं, और फिर कहते हो कि इनके फोटो नहीं रखने। एक भक्त काशी से आया था, दूसरा सतनाम भी प्राप्त जब उसको हुआ तो उसने कहा जी ये तो वो ऊटपटांग बातें हैं सारी, वही मंत्र वहाँ थे वही मंत्र यहाँ दो दे दिए, इसे क्या लाभ हुआ, और उधर से कहते हो इनको नहीं रखना, तो उसको लाभ हो नहीं रहा क्योंकि उसके मन में दोष था। उसको समझाने की भी चेष्टा की कि तू बात सुनो, अब जैसे एक जड़ी है, एक जड़ी है उसको किसी दो जड़ियों से मिला करके उसका जो योग किया जाता है उससे कुछ अन्य लाभ देती है वो, और उसको 5-7 जड़ियों में मिला करके उसका मिश्रण किया जाता है तो उस समय वो कुछ और लाभ देती है। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं, बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी हैं सबको प्रणाम करें, अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा, तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के जैसे वो आपको बताई दिया कि जब उन्हीं मंत्रों को उसी जड़ी को हम कई जड़ियों मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और दो को मिलाकर करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है, तो ऐसे इनको समझो, क्योंकि जैसे पुण्यात्मा भोजन आटा वही है, गेहूं वही है, और उनको अलग अलग से बनाकर प्रयोग करते हैं तो कुछ आइटम अलग बन जाते हैं, टेस्ट भी अलग होता है,
जैसे घी और रोटी वैसे खा ले, उसमें बूरा डाल ले, अलवा बनावे तो और न्यारा ही टेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही बात है इस गुण की कि जैसे कोई औषधि है, यही समझो इसका उदाहरण, ये बहुत ही फिट है। अब क्या होता है, जैसे हम त्रिकुटी पर आ जाते हैं तो त्रिकुटी तक तो ये जो लाभ हमें प्रथम मंत्र का था ये यहाँ तक ले आया आपको। अब त्रिकुटी पर पहुँचेंगे, त्रिकुटी यहाँ नहीं है, यहाँ तो बताई जाती है कि इसके बिल्कुल बैक में, इन दोनों भावों के बीच में, यहाँ बैक में यहाँ एक बनी हुई है नाड़ी सी है, तो वहाँ त्रिकुटी पर जाने के बाद वहाँ आपका अकाउंट होगा सतनाम का। अब सतनाम क्या है, दो अक्षर का, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। वो दो अक्षर कौन से हैं, एक तो ओम है, एक ये तत् है। ओम तत् सत में जो तीन मंत्र हैं, ये ओम और तत् वो सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर सतनाम बन जाता है। इनके सिवन की विधि भी भिन्न भिन्न है। तो जो ओम नाम है सतनाम के अंदर, इसको हम त्रिकुटी पर देंगे, ये ब्रह्म का जाप है। हम क्या करते रहे अभी तक, ओम नाम का जाप करते थे ऋषि महर्षि, पहले और कोई जाप नहीं करते थे, वो केवल ब्रह्म साधना करते थे। अब उनको कंप्लीट ज्ञान तो था नहीं, जैसा काल ने उनको वर्मित किया, तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म लोक में चले जाते थे। ब्रह्म लोक में हजारों युगों तक वो वहाँ उन पुण्यों ओम नाम के कमाई के भक्ति के आधार से, धन के आधार से वह हजारों युगों तक स्वर्ग में मौज मस्ती करते थे। उन स्वर्ग में क्या है, जो यहाँ पृथ्वी पर बकवाद उपलब्ध नहीं है, वो बकवाद वहाँ पर हैं। नाचना गाना, सुंदर औरतें, हर तरह की बकवाद, हर तरह के वहाँ फुहारे चलते हैं, कहीं पर आतिशबाजी, जैसे एक मेले में चला जा या किसी रेस्टोरेंट में आदमी अपनी ही पैसे से, अपनी पूंजी से वहाँ मौज कर रहा है, तो करता रहो, एक दिन वो पूंजी समाप्त होगी, उसके बाद फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा, वहाँ से उसको जेब खाली हो लेगी, तब वो भागेगा वहाँ से। तो हम अभी तक अपनी जेब वहाँ कटवाते रहे स्वर्ग में जाकर, ओम नाम के जाप से, महास्वर्ग में, महास्वर्ग कहो ब्रह्मलोक कहो, और हमारे पाप न्योके न्यो रह जाते हैं, उन पापों के लिए फिर नरक भी जाना पड़ता, और उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों की भी योनियों में भोग जाना पड़ता। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप को, उसके भक्ति धन को स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में नष्ट करते रहे, और काल के जाल में फिर मृत्यु और जन्म में फिर से आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया, अब जैसे तेरी इच्छा ऐसे कर ले, मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ हथियार उठा युद्ध कर, यह शांति नहीं हो सकती, और मेरी साधना करेगा तो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा मंत्र ओम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं जाप करने का, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शांति नहीं हो सकती। और यदि तूने परम शांति चाहिए सनातन परम धाम जाने के बाद फिर लौट कर वापस नहीं आते, वो स्थान चाहिए तो उसकी साधना तत्वदर्शी संत बतावेंगे, 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उनको खोज ले, मैं नहीं जानता उसके विषय में। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया उसने
गीता ज्ञान दाता ने कि ईव यु गुप्त से गुप्त ज्ञान दे दिया तेरे ते, जैसे तुझे ठीक लगे वो फैसला कर ले, सोच ले, मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, शांति नहीं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी शरण में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो अंडरस्टूड, जहाँ साता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहा है कि एक गुप्त से गुप्त भेद और बताता हूँ, फिर सुन कि वो परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में 1 से 4 श्लोक में 15वें अध्याय के में बताया है कि उस परमेश्वर की शरण में वो है ना, वो मेरा भी इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़ तत्वक्षामी ते हितम, ये तेरे हित में बता रहा हूँ कि वो मेरा पूज्य देव है, मैं भी उसकी भक्ति करता हूँ। यानी एक गुप्त से गुप्त वेद तो बता दिया 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, 63वें में कि गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त ये दे दिया। दूसरा गुप्त से गुप्त एक भेद और बताऊं कि ये मेरा भी पूज्य देव है, मैं इसकी भक्ति करता हूं। और परमेश्वर कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। अब ये कौन सा जाप करता है इसको? ये केवल हठ योग करता है, ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, तप करता है। 21वें ब्रह्मांड के ऊपर ले उसमें बैठा है ये, और तप से क्या मिलता है? राज्य मिलता है। तप से राज्य, तो ये उस तप प्राप्त करके अपना ये राज्य मेंटेन रखता है और यहाँ 21 ब्रह्मांडों को चला रहा है भगवान से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त करके। तो परमात्मा ने कहा तो गोरखनाथ जी को, तेरा ज्योत स्वरूपी ये अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा, ये हमारा ही पूजा करता है, हमारा ही ध्यान कर रहा है। और देखो पुण्यात्मा, जिसने जैसी भी फसल बीजी है, किसी ने बांग बो रखी है तो बांग काटेगा। अब फसल ने तो बीज जो बो दिया वो तो देना ही देना है। तो परमात्मा सबको जो जैसी साधना कर रहे हैं उससे जो भी उनको मिलना है वही दे देता है। जैसे सिद्धियाँ करते हैं, सिद्धियाँ वालों को सिद्धियाँ मिल जाती हैं। जैसे अगस्त ऋषि ने डले डोए ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि 7 समुद्रों को एक ही घूट में पी गया, खाली कर दिए 7 समंदर। अब बता शर्म मार लो सिद्धि ने के चट्टो सिद्धि का क्या करे। तो ऐसी ये साधनाएं जो करते हैं, शास्त्र विधि त्याग मनमाने आचरण जो हैं, ये यूजलेस बताए हैं। भले ही उनसे आम जनता में प्रभुता हो सकती है जीव की, लेकिन मोक्ष नहीं। अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन वो मेरा पूज्य देव है, और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अब मेरी शरण में रह, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर और निश्चय ही तो मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में तुरंत कह दिया, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग अलग के उसकी शरण में जाना है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है उसकी शरण में जाना है, तो सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की और सभी पूजाओं को त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की जो साधना है, धन भक्ति धन तूने इकट्ठा किया, वो मेरी मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे, उसका प्रतिफल मत लेना। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। अब यहाँ गीता अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिए, अर्थ अनर्थ कर दिए। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। अब इनका दृष्टिकोण क्या था कि ये श्री कृष्ण जी से ऊपर नहीं मानने थे, श्री कृष्ण जी को ये सुप्रीम पावर परम अक्षर ब्रह्म मान रहे थे, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। तो यहाँ
कहा है गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं धार्मिक अनुष्ठान जो तूने किए हैं सभी धर्मान प्रीतजमाम, मेरे सतर के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं धार्मिक पूजाएं हैं वह मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में तू जा। अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामी मा सुच, फिर मैं तुझे इन सभी संकटों से पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करें। अपने आत्माओं हम पुण्य बर्बाद कर देते थे स्वर्ग में और पाप भोगते थे नरक में, तो अब हम उन पुण्यों का जिसके कारण ये हमें यहाँ रोके रहता है उन पुण्यों का हम प्रतिफल नहीं लेंगे और इसको छोड़ देंगे। ओम नाम के जाप की भक्ति धन, और साथ में ये हवन यज्ञ ये पांचों यज्ञ ये इसके सतर्की है, हम इसको दे देंगे। यज्ञ से भी स्वर्ग जाते हैं जो केवल हवन करते हैं या कोई केवल स्वाध्याय ही करते रहते हैं, जैसे वो के है ना आपका सुखमणि साहिब का पाठ करते हैं जिसको जप जी साहिब कहते हैं, और जो गीता जी का नित्य पाठ करते हैं और जो कोई वेदों का नित्य पाठ करते हैं वो एक यज्ञ बनता है। उस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ है ये, उस यज्ञ से भी पुण्य होते हैं, उससे केवल स्वर्ग प्राप्ति होती है कुछ समय के लिए, कुछ सीमित समय है बहुत कम, और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये यज्ञ ऐसे हैं जैसे किसी का दीर्घ रोग हो रहा है, दीर्घ रोग है किसी को और डॉक्टर के पास जाता है, वो बहुत वीक हो गया है, कमज़ोर घना हो गया है, तो जाते ही डॉक्टर ग्लूकोस लाता है। ग्लूकोस जो है ये रोग नाशक नहीं है, ये सहयोगी है उस उपचार में। शरीर को पानी का अभाव पूरा करती है, कुछ शरीर को शक्ति देती है, लेकिन रोग नाश नहीं होता इससे। ये भी आवश्यक है क्योंकि हम चौथे युग में आ गए, अभी तक ट्रीटमेंट ठीक हुआ नहीं, हम कति कंडम हो लिए, तो यहाँ अब पांचों यज्ञ ये ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है आपका। पांचों यज्ञ भी करनी पड़ेंगी, एक यज्ञ है धर्म की जैसे दान करते हो भक्त, इसमें से आपका यहाँ भंडारा चलता है, आश्रम बनाया जा रहा है, आपकी रजाई गद्दों का व्यवस्था होती है, दुखी आत्मा आती हैं, आते यहाँ शांति प्राप्त होती है, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके द्वारा दिया गया दान आपको आबाद कर देगा, ये स्थान है वो दान करने का। और एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, परमात्मा का जो याद बनी रहना, उसकी भूल ना पड़े, उसकी रह रह कर याद आवे, दिस इज मेडिटेशन। वो हठ योग मेडिटेशन नहीं बख संतों का, ये सहज समाध है, सहज ध्यान है, ये इसको ध्यान बोलते हैं।